एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से। आज हम लोग बनाएंगे फ्रूट सलाद। इसके लिए मैंने एक एप्पल लिया, एक वाबा, एक केला का यूज करेंगे, एक कटोरी मखाना, थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स, मल्टीग्रेन कॉर्नफ्लेक्स, 4-5 टुकड़े नारियल के, और जीरा और लाल मिर्च का मैंने मसाला तैयार किया था उसको यूज करेंगे। ये मसाला मैंने घर में ही तैयार किया हुआ है। तो इसकी रेसिपी देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसका लिंक, तो आप वहां से देख सकते हैं, मसाले बना सकते हैं आप घर में। सबसे पहले हम लोग एप्पल को चॉप करेंगे, बारीक नहीं करेंगे, यहां पे बड़े टुकड़ों में थोड़ा काटेंगे इसको, और क्यूब्स में इसके छिलके उतार देंगे। यहां पे आप छिलके अगर रखना चाहें तो रख, उसके साथ ही कटिंग कर सकते हैं इसकी छिलके के साथ, बट जनरली फ्रूट सलाद में छिलके उतार के ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप छिलके उतार के करें वो चॉप ना एप्पल की। और इसके बाद यहाँ पे कटिंग करेंगे ग्वावा की। ग्वावा का बीच वाला जो पार्ट है उसको निकाल दें, और सिर्फ बाहर का जो पार्ट है उसी को हम लोग इसमें ऐड करेंगे चॉप करके। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने 4 टुकड़ों में काटा और फिर बीच का पार्ट इसे निकाल देंगे, और साइड का पार्ट लेंगे सिर्फ, इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे साइड के पार्ट को। ये फ्रूट सलाद बहुत ही हेल्दी होता है, और कई जगह तो ये डेजर्ट में भी सर्व किया जाता है, और कई जगह ये साइड डिश में भी सर्व किया जाता है। तो एनी टाइम एनी किसी भी रूप में ये बहुत ही हेल्दी होता है। यहाँ पे सारे फ्रूट्स को एक बॉल में हम लोग ट्रांसफ़र करते जाएंगे। इसके बाद मैंने काटा नारियल के टुकड़े को, यहाँ इसको बारीक काट लेंगे, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पे जो मेरे घर में अवेलेबल था फ्रूट वो मैंने यूज किया, बट आप कोई सा भी फ्रूट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई सा भी जो आपको पसंद है। और ये एप्पल स्वीट होता है, थोड़ा मीठा लगता है। केला भी मैं ऐड करूँगी, एक केला मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, तो ये भी मीठा होता है। तो इसमें अलग से कुछ हनी या फिर चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ्रूट ही मीठा होता है। इसी के मीठा मतलब स्वीटनेस से ये काफ़ी टेस्टी लगेगी ये सलाद। और आप देख सकते हैं केला को भी मैंने चॉप कर लिया बड़े टुकड़ों में, और इसको ऐड कर देंगे बाउल में। के बाद इसमें ऐड करेंगे मखाना, ये रोस्टेड मखाना है, आप इसको रोस्ट कर लें पहले, उसके बाद ऐड करें एक छोटी कटोरी। और थोड़े से मल्टीग्रेन कॉर्नफ्लेक्स हैं ये मेरे, मतलब ये मैं डालती हूँ सिर्फ क्रंचीनेस के लिए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये फ्रूट सलाद में। तो मेरा ये सजेशन रहेगा आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें मल्टीग्रेन कॉर्नफ्लेक्स, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी दही, दही को फेंट लें और पतला कर लें ऐसे, आप देख सकते हैं मेरा दही थोड़ा सा पतला है, तो ऐसे पतला कर लें। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक, यहाँ पे प्लेन नमक नहीं यूज करें, काला नमक यूज करें क्योंकि वो हेल्दी होता है। और यहाँ पे फिर मैंने जीरा और लाल मिर्च का जो मसाला बनाया था वो मैंने एक चम्मच ऐड किया। इस मसाले में भी नमक होता है, इसलिए मैंने काला नमक थोड़ा ही ऐड किया, चुटकियों में ऐड किया वो पहले। तो आप काला नमक ही यूज करें, हेल्दी भी होता है और इस सलाद में वो टेस्टी भी लगता है। तो नमक और फ्रूट का जो स्वीटनेस है वो मिल के और बहुत ही टेस्टी लगता है, मीठा तीखा और खट्टा, पेरू थोड़ा सा उसमें खट्टापन होता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, और दही के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा रेडी है फ्रूट सलाद, अब इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो जीरा और लाल मिर्च का
मसाला जो मैंने डाला वो है, वो आप ज़रूर देखें मेरा वीडियो, और वो तैयार करके आप रख लें। पहले से भी रख सकते हैं, वो काफ़ी दिन चलता है, 2 से 3 हफ्ते आराम से रह जाता है, तो वो आप ज़रूर डालें। इसके ऊपर से मैंने फिर से 2-3 चम्मच दही ऐड कर दिया। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर से हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, चुटकी से, चुटकी भर बस। और थोड़े से चाट मसाला, ये भी चुटकी भर, ऊपर से चाट मसाला ऐड कर देंगे। इसको अब सर्व करेंगे। और इसके ऊपर से अगर ये ऑप्शनल है, ड्राई फ्रूट अगर आप डालना चाहें तो ऊपर से चॉप करके आलमंड और किशमिश डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है चॉप किया हुआ किशमिश, आप देख सकते हैं आलमंड और किशमिश मैंने डाला। किशमिश भी मीठा होता है तो ये भी एक मीठापन आ जाता है इसका भी, तो और भी टेस्टी लगता है। तो अगर आपको पसंद है किशमिश तो डाल दें, ऊपर से सर्व कर दें। ये रहा मेरा फ्रूट सलाद, आज का रेसिपी।